नमस्कार दोस्तों, मैं सनी शर्मा फिर से हाजिर अपने चैनल सनी नाथ में स्वागत करता हूँ सभी। आज मैं फिर से हाजिर होकर नई जानकारी के साथ। स्नेक ड्रीम मीनिंग, सपने में सांप देखने का क्या अर्थ होता है, नेगेटिव सपना या पॉजिटिव सपना। सर्वप्रथम निवेदन रहता है चैनल पर फर्स्ट टाइम इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। लाइव चैट में आप लोग मेरे साथ फ्री में बात कर सकते हो। बाकी की जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स अथवा मेरे इंट्रो में मिल जाएगी। अब बात करते हैं स्वप्न शास्त्र में। देखो, सांप के साथ जुड़े अधिकतर कई लोगों को सपने आते हैं। सपने में सांप का दिखना कई मामलों में शुभ कहा जाता है, कोई मामले में अशुभ संकेत देते हैं। अगर आपको भी सांप सपने में दिखाई देता है तो आपको उनका अर्थ जानना बेहद जरूरी हो जाता है, जो कि आपके निजी सपनों के साथ आपकी आर्थिक तंगी, आपके जीवन में आने वाले समय के बारे में बताता है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार सांप को देखने का क्या अर्थ होता है। सपने में अधिकतर सभी लोग को आते हैं, और सपने में अलग अलग का मतलब होता है, यानी अलग अलग प्रकार का मतलब होता है। स्वप्न शास्त्र नाम की, ठीक है ना, सपने में कई प्रकार की चीज़ें दिखाई देती हैं, और स्वप्न शास्त्र में इनका कई प्रकार का अर्थ बताया जाता है। कई लोगों को सांप के साथ जुड़े सपने आते हैं। बार बार आपको सांप को खुद के पीछे भागते हुए देखते हो तो कई बार सांप आपको काट जाता है, ऐसा प्रतीत होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर किसी की कुंडली में काल सर्प दोष है तो उसके ऊपर राहु केतु की दशा चल रही है, तो ऐसे समय में हो सकता है कि अधिकतर सांप उसको दिखाई देते हो। वही स्वप्न शास्त्र के अनुसार सांप में कई प्रकार का, सांप से जुड़े कई प्रकार के शुभ अशुभ सपनों के द्वारा बताते संकेत मिलते हैं, जिनका विवरण मैं आपको आगे दे रहा हूँ। अगर आपको सपने में सांप दिखाई देता, आप सपने में उसको मार देते हो, तो स्वप्न शास्त्र के अनुसार इस तरह से सपना जो है वो शुभ माना जाता है। ठीक है, इस तरह से मतलब होता है कि जल्द ही आप लोगों को शत्रुओं के ऊपर आप लोगों को विजय प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि आपने आने वाली विपत्ति को पहले ही काट दिया है। उसके अलावा कई लोगों को अक्सर सुनना है कि उन्हें सांप का झुंड दिखाई देता है। कई सांप दिखाई देते हैं, रंग बिरंगे सांप दिखाई देते हैं, इकट्ठे निकलने हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर ऐसा तो ये सपना जो है अशुभ माना जाता है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार सपने का अर्थ होता है कि आपके जीवन में कई सारी परेशानियाँ इकट्ठी आने वाली हैं, जिनसे बचने के लिए आप लोग जो है महादेव की पूजा कर सकते हो। और स्वप्न शास्त्र में अगर सांप आपको बार बार मात्र दिखाई देता है, और अगर आप किसी देवता की पूजा करते हो और वो देवता जो है नाग रूप चलता है, तो ये सपना भी आपके लिए पॉजिटिव ही साबित होता है। याद रखना, साधना सिद्धि और मंत्र तंत्र क्रियाएं ये किसी योग्य पुरुष के सानिध्य में करनी चाहिए, और डॉक्टर का काम ठोकरी ट्रीटमेंट से ठीक होता है, और जो जानकारी है वो मात्र तथ्यों और जो शास्त्र में लिखे गए वही व्याख्या हम यहाँ पर करते हैं। गुरुओं का ज्ञान है जो मिला, तो ज्ञान के पर्पज़ से आप इन वीडियो को देख सकते हो। भक्ति कर्म करते हो, अटपटी चीज़ें दिखाई देती हैं, तो उनमें कोई त्रुटियाँ ना हो। सीखना है तो किसी गुरु के सिर में सीखना, किसी के सर में दर्द है, किसी के कहीं और दर्द है, तो पहले डॉक्टर को दिखाना। डॉक्टरी ट्रीटमेंट नहीं होता तो फिर आप परमात्मा अथवा मंत्रों का सहारा ले सकते हो। आदेश।